एमसीडी नहीं, एमसीडी नहीं है, इसलिए चाहिए थी एमसीडी, ये कर लिया एमसीडी हाथ में लेकर, सत्ता एमसीडी में पाकर। इस तरह की घटनाओं के बाद में आप क्या चाहते हैं राकेश भाई? पहले क्लियर हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? क्या करना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, क्या आरोपों का दौर तो लंबा चौड़ा है। घटना होने से पहले क्या करना चाहिए था? मैं यही तो पूछ रहा हूं कि क्या घटना होने से पहले क्या करना चाहिए? घटना घट जाने के बाद में क्या करना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं घटना होने से पहले क्या करना चाहिए? घटना ऐसी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए था? सुनिए सुनिए सुनिए, इस पे हम राजनीति की बातें नहीं करना चाहते हैं, बहुत संवेदनशील मसला है। मैं राजनीति की बातें नहीं कर रहा हूं। और सुनिए संजीव कौशिक, राजनीति किसने शुरू की है मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने इस पर सियासत शुरू की है, मैं उधर अभी डिबेट को बिल्कुल लेकर नहीं जाना चाहता हूं, आगे उस पर भी सवाल करूंगा और यकीन मानिए आप जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन मेरा सवाल है ऐसी घटना ना हो, और घटना होने से पहले आम आदमी पार्टी को क्या करना चाहिए था इसका जवाब दीजिए। इस बारे में भी आपको सवाल पूछना होगा कि यदि एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में से फिसल के जाती है आम आदमी पार्टी के पास, तो हारने के बावजूद क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है? अरे उन्होंने कहा गया अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला है, कमाल की बात कर संजीव कौशिक, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तीन छात्र मर गए संजीव कौशिक, संजीव कौशिक तीन छात्र मर गए, दो लड़कियां एक लड़का, नहीं होना चाहिए, तीन परिवारों के चिराग बुझ गए और आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही है संजीव कौशिक? देखिए आपको शर्म आ रही है संजीव कौशिक? तीन छात्र मर गए, भाषा का इस्तेमाल नहीं कीजिए आप। नहीं, क्या भाषा गलत है? क्या भाषा गलत है? आप बिल्डिंग बनने पर जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको ये शर्म नहीं आई? इससे पहले मैंने क्यों शर्म की बात सुनिए ना, मैंने शर्म क्यों नहीं आई इस पर सवाल क्यों किया? बाहर घाट भर गया था, बाहर नाली जाम थी, कौन सा सफाई करता? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रहे थे, मामला सुप्रीम कोर्ट में एकाध चला गया, इसलिए नालों की साफ सफाई नहीं हुई, गंदा पानी बेसमेंट में भर गया, वो छात्रों के अंदर चला गया, मर गए, उस पर फैसला होना चाहिए और दोषियों को निश्चित तौर पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। अरे संजीव कौशिक, ये गात किसको साफ करनी थी भाई? नाली किसको साफ करना था? इतना पानी भर गया, आप उम्मीद है? मैं दर्शकों को बताऊं संजीव कौशिक, एक मिनट, मैं दर्शकों को बताऊं कि उस कोचिंग के बाहर इतना पानी भरा था, इतना पानी भरा था, गेट प्रेशर से टूट गया, और गेट जब प्रेशर से टूटा तो वो पूरा पानी अंदर आया, गाद वाला पानी अंदर आया, छात्र निकल नहीं पाए। 3 से 5 मिनट में 12 फीट है जमीन फ्लोर से, और छत की हाइट जो है 12 फीट है, वो पूरा 12 फीट 5 मिनट में भर गया। आप संजीव कौशिक, आप कह रहे हैं लापरवाही नहीं है? एमसीडी में आम आदमी पार्टी की चूक पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, हल्का मत कीजिए, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कहा कि मसला बेहद संवेदनशील है, इसको हल्का मत कीजिए। तो आप संवेदनशीलता दिखा रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट का नहीं, आप बीजेपी कभी किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट चली गई, ये बात आप कोर्ट करके आप संवेदनशीलता दिखा रहे हैं संजीव कौशिक? 24 घंटे के अंदर में उसके ऊपर रिपोर्ट आने की बात कर रही हो, क्या करेंगे वो परिवार? रिपोर्ट का क्या करेंगे जल मंत्री? वो परिवार रिपोर्ट का क्या करेगा संजीव कौशिक? वो परिवार रिपोर्ट का क्या करेगा संजीव कौशिक, जिनके घर का बच्चा मर गया? तो उन्होंने अपने बच्चे को कलेजे के टुकड़े को दिल्ली भेजा था, अपने घर से दूर भेजा था। एक माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है कि एक अपने बच्चे को नए शहर में भेज दे, जाकर वहां पर तैयारी करे। बहुत दुख है और एक गार्जियन होने क्या करे आपके इस दुख का? संजीव कौशिक, मैं क्या करूं आपके इस दुख का? या वो परिवार क्या करे आपके इस दुख का? क्या आप उनके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं? और अगर आप तो इस दर्द को क्या किया जाए, कार्रवाई ही तो होगी, पकड़ा नहीं, जाएगा। नहीं, वाह, तालियां संजीव कौशिक। शिवम त्यागी ये पूछ रहे हैं अभी क्या किया जाए। आप लोग एक मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए, इसलिए नालों की साफ सफाई नहीं कर पाए भाई, इसलिए तीन छात्रों की मौत हो गई, 2 छात्राएं 1 छात्र है, ये सब आप लोगों की गलती है। लड़ाई करने का तो विषय है ही नहीं कि दिल्ली में 3 छात्रों की जान चली गई पानी में डूबने से। और संजीव कौशिक जो आम आदमी पार्टी से राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो मेरे बड़े भाई भी हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, और वो बिहार से आते हैं और दिल्ली में रहते हैं, और उनके दोनों जो बच्चे हैं, जो मेरे भी बच्चे की तरह हैं, वो दोनों तैयारी करते हैं इसी तरह की सिविल सर्विसेज की। भगवान ना करे आज उनके साथ ऐसा हो जाता संजीव जी, तो आप क्या कहते हैं? रिपोर्ट का इंतजार करते हैं? मेरा सवाल है आपसे, तो किसको गोली मारते हैं? रिपोर्ट का इंतजार करते हैं? किसको गोली मार देते? नहीं मारते, रिपोर्ट का इंतजार करते हैं? बताइए मुझे, मार देते? अब देखिए कमाल की बात है, कहते किसको गोली मारते? गोली कोई भी मारने के लिए? अरे वही तो मैं कह रहा हूं। नहीं प्लीज बोलने दीजिए, इनके पास जवाब नहीं है। हमारे भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, संजीव कौशिक जी के बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, और वो भी इसी तरह की तैयारी कर रहे हैं। अगर कुछ ना कुछ हमारे बच्चों के साथ हो जाता
तो क्या हम मतलब गोली मारने की बात नहीं, कौन कह रहा है कि आम आदमी पार्टी के किसी आदमी को गोली मारो या फिर वहां पर एनसीडी के किसी अधिकारी को गोली मारो या फिर विधायक को मारो या मुख्यमंत्री को? नहीं, गोली नहीं मारनी है, प्लीज सुन तो लीजिए, गोली नहीं मारनी है, दुखी है। ये जिम्मेदारी किसकी तय होगी? आप मुझे एक चीज बताइए, ये 28 जून को 39 साल का एक आदमी जो है वाटर लॉगिंग होने की वजह से मर गया प्रेमनगर में, ये 13 जुलाई को जो है वाटर लॉगिंग होने से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भजनपुरा में एक आदमी मर गया, उसके बाद 22 जुलाई को जो है 26 साल का एक यूपीएससी का एस्पिरेंट है वो करंट लगने से मर गया, नंगी तारें थी, पानी में थी, इसके अलावा 3 बच्चों की कल मृत्यु नहीं हत्या हो गई है, कि जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी तय मत करो भाई, मतलब ये तो 41 लोग मरे थे, नहीं रुक जाए, बीच में नहीं बोलते, मोरबी में जिम्मेदारी क्या होगी मरे थे, बताइए किसकी जिम्मेदारी तय होने के लिए? बस एक ही इलेक्शन रह गया है, मोरबी में जो बाइडेन को हरा कर अगर इस समय उस पुल के जो है किसकी जिम्मेदारी तय? यूएस का रिजल्ट जीत जाए, फाइनल हो जाए वहां के, तो हो सकता है शायद खानी बनाने वाले को पुल बनाने का अधिकार दिया था आपने, बीच में नहीं बोलते ना सर, ये ऐसा विषय ही नहीं है, मैं कह तो रहा हूँ बस, यूनाइटेड स्टेट्स का अमेरिका का इलेक्शन अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाए मतलब तो आप राजनीति करेंगे, बच्चों की मौत पे आप राजनीति करेंगे, चुप रहे जब विधानसभा जब हम से नहीं था मसले पे तो राजनीति कीजिए ना, बीच में मत बोलिए ना सर, मैंने बोला राजनीति नहीं कीजिए, संजीव कौशिक सुन लीजिए, जब मुख्यमंत्री नहीं थे जब रोजाना लोगों के बिजली के तार काटते थे जाकर के मैं जाकर ठीक कर दूंगा, जब वहां पर पहुंच गया कहने लगे नहीं एमसीडी नहीं है मुझे एमसीडी में ले आइए वहां आकर ठीक कर दूंगा, अब एमसीडी में आ गए तो सुनिए बारिश पड़ जाती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो सामान्य से ज्यादा बारिश पड़ गई मैं पानी नहीं रोक सकता, बारिश नहीं पड़ती है तो कहते हैं नहीं नहीं पानी नहीं मिल रहा मैं इसलिए पानी दे नहीं सकता, पीने के लिए पानी दे नहीं सकते, ऊपर से गिरा हुआ पानी रोक नहीं सकते, करंट से मरने वाले लोगों को रोक नहीं सकते, ये जो जितने भी है इतने माफियाज हैं जो ये सारे यूपीएससी कोचिंग के नाम पर जो है स्टोरेज के नाम पर वहां पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं लाइब्रेरी चला रहे हैं वहां पर उनको रोक नहीं सकते तो करोगे क्या भाई? मैं यही इस दुनिया में बस एक ही पद रह गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए केजरीवाल शायद तब कुछ कर पाए, इसीलिए कह रहे हैं नहीं होने चाहिए जिम्मेदारी पे तब तक हो जानी चाहिए आप सोल्यूशन बताइए राजनीति सोल्यूशन इसीलिए कह रहे हैं सोल्यूशन यही है कि दिल्ली में बैठा हुआ एक दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसकी चाटुकारिता जेल में बैठकर सरकार चलाइए इतनी नैतिकता नहीं है, आप अपने साथियों से अगर नैतिकता की बात कर लेते सीख लेते, मैं फिलहाल उधर नहीं जा रहा हूं ना डिबेट का वो पॉइंट है। परमिंदर सेठी, निगम बहुत भ्रष्टाचार में है, जब बीजेपी निगम में थी बहुत भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे एनसीडी के चुनाव में यह वादा था और कह दीजिए कि वादा नहीं था, तो क्या यह एक तरीके का भ्रष्टाचार नहीं कि बेसमेंट स्टोरेज के लिए बना लिया लाइब्रेरी कोई देखने ही वाला नहीं है? देखिए बड़ी दुखद घटना है और इसके ऊपर कम से कम राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। कौन कर रहा? 3 बच्चों की जाने गई हैं, हमें इसके इसके जो व्यक्ति इसके लिए गुनाहगार है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो अगर आप कह रहे हो नाली भरने से पानी होनी चाहिए केजरीवाल बिल्कुल कहते कहते आप राजनीति कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप इनके तीन बच्चों की जान चला गई, अभी आप कह रहे हैं संजीव कौशिक जी आपके बच्चों के साथ हो जाता है, अरे आप कहते भाई रिपोर्ट आई है किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है, किसी के बच्चे के साथ हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, मेरी बात को समझिए, लेकिन इसका इलाज क्या है? ये जो खड्डे और कुएं खोदे हैं बीजेपी के मुझे आप मजबूर कर रहे हैं, मुझे आप मजबूर कर रहे हैं तो राजनीति करोगे, मजबूर कर रहे हैं मौत पर राजनीति करोगे, जब मैं राजनीति नहीं कर रहा मैं जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं राजनीति करने से, जल बोर्ड इनके पास है, पीडब्ल्यूडी इनके पास है, एमसीडी इनके पास है, दिल्ली सरकार इनके पास है, क्या चाहिए ये घटना रोकने के लिए? सवाल सुनिए